हार्ड रीसेट और फैक्ट्री रीसेट ऑन MIUI 12। जब भी कोई यहाँ पर नया अपडेट आता है और बिग साइज का अपडेट आता है जैसे कि MIUI 11, MIUI 12, तो उसके अंदर बग्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है हार्ड रीसेट। तो यहाँ पर हर अपडेट के साथ हार्ड रीसेट का यहाँ पर ऑप्शन बदलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप MIUI 12 में किसी भी डिवाइस में हार्ड रीसेट कर सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो को बस आप पूरा देखें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे ही छोटे मोटे प्रॉब्लम आपकी MIUI 12 के डिवाइस में हो रहा है तो सिंपली आपको हार्ड रीसेट करना है। और वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से चेंजेस है MIUI 12 के अंदर और यहाँ पर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं कि जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन बहुत से बग्स भी देखने को मिलता है जैसे कि कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पर स्पेस बार का काम ना करना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बता दें कि किस तरीके से आप यहाँ पर हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाना है माई डिवाइस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं MIUI 12 के वर्ज़न पर हूँ और ये जो मेरा डिवाइस है ये Note 5 Pro है और मैं बीटा वर्ज़न पर हूँ। और इसी तरीके से स्टेबल वर्ज़न पर भी सेम वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी डिवाइस के लिए यही मैथड वर्क करता है। सिंपली आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फैक्ट्री रीसेट, और इसी को हार्ड रीसेट भी बोलते हैं। तो आपको सिंपली फैक्ट्री रीसेट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके गैलरी, आपके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, ऐप्स, सारे SD कार्ड के डेटा सभी यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैकअप ले लेना है। तो अगर आपके पास SD कार्ड है तो उसके अंदर आप यहाँ पर बैकअप ले सकते हैं और मेमोरी कार्ड को भी यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नीचे का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इरेज ऑल डाटा, यानी कि यहाँ पर क्लियर है कि आपके जितने भी डेटा हैं आपके डिवाइस में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पर बैकअप ले लो और आपकी फ़ोन की बैटरी की परसेंटेज 50% की ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप बैकअप भी ले सकते हो। अगर आपने बैकअप ले लिया है तो सिंपली यहाँ पर आप रिबूट का जो ऑप्शन है यहाँ पर उस पर, सॉरी फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन है उस पर आप यहाँ पर क्लिक करना। जैसे ही फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मी का अकाउंट भी दिखाएगा, क्योंकि अगर आपने लॉगिन किया होगा, मैंने यहाँ पर और लॉगिन नहीं किया है तो नहीं दिखा रहा। तो आपको लॉगिन ID यहाँ पर देना है, पासवर्ड देना है मी का। उसके बाद यहाँ पर अटेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है 10 सेकेंड का, और ये वार्निंग देता है कि अगर आप हार्ड रीसेट करोगे तो आपका जो डिवाइस है वो आपके डिवाइस के अंदर जो भी डेटा है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। तो आप पहले बैकअप ले लें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यही प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक ये ऑन नहीं होता। 0 to 100% यहाँ पर आपका फ़ोन यहाँ पर वर्क करेगा और जितने भी आपके फाइल्स हैं वो सारा डिलीट हो जाएगा और फिर से फ्रेश यहाँ पर आपका फ़ोन देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई नया UI आपने यहाँ पर यूज़ किया है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर सेटअप कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं MIUI 12 का यहाँ पर मेरा वर्ज़न देखने को मिल गया है और जो भी डेटा पहले डिवाइस में था वो सारा डिलीट हो गया है। और सिंपली इसी तरीके से आप अपने किसी भी डिवाइस में हार्ड रीसेट कर सकते हो यहाँ पर, और कोई भी बग से तो उसको इस तरीके से यूज़ करके उसको रिमूव कर सकते हो। ये एक सिंपल सा मेथड है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि MIUI 12 के अंदर हार्ड रीसेट कैसे करें, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही देखते रहें हमारा चैनल रवनी।